बड़ी बढ़िया संकेत करत बा। जब बीमारी हो जात इश्क वाली तो जान ले अगर प्रेम क्या घर 50 किलोमीटर बा तो जान ले काका उनका 50 किलोमीटर 500 मीटर लागत बस कैसो दर्शन हो जाए भैया लिखत बका सही जगह अर्जी लगाया है बताओ तो इनका किसान जी जान ले स्वामी बगली का लड़किया देखी तो जान लिया बड़ी दिक्कत होते कम से कम दो चार ना सही इकट्ठी हो जाए तो जान ले बड़ी मेहरबानी हो जाती आप सबके नारद जी वही बीड़ा उठाए चल हैं गयन कहाँ गीत बदलिए बढ़िया गुरु जी फर्ज में लिखा बीरा भाभी विष्णु से जाके बीरा भाभी विष्णु से जाके सारी बात तू बता ले भाव को समझते हो धर्म के आप हमारे चाचा जी श्री ललूपाल जी 21 रुपए का महान आशीर्वाद गौर छुके पहली बार लाख लाख आशीर्वाद के चार हैं नारा जी कहें स्वामी अब ही हम मृत्यु लोग गए रहे कहें तब कहें मृत्यु लोग गए रहे देखे एक किसान जोन की बड़ा दुखी बा कहें कोने कारण कहें ओकरे कोनो संतान नहीं बा कहें तब हम का करी कहें स्वामी हमारी अर्जी बा कि किसान का एक गदेला दे दे बस ज्यादा ना है
जब विष्णु जी इतनी बात सुने तो विष्णु जी कहा थे इनका का? लोक गीत विराग आया का पादन श्री भीमपाल जी इस भाव को समझते हुए मकनपुर की पवन धरती से 51 रुपए का महान आशीर्वाद गौर छुके पहली बार। ए भैया बाती के ध्यान दे, जब विष्णु जी से नारद जी कहे कि नारद किसान का एक लड़किया दे दे, तब किसान के बात दुख दर्द सुन के विष्णु जी कहे देखो बात तो ठीक बा, जकरे लड़का न रहे तो जान लो के जिंदगी कोनो जिंदगी न होए, लेकिन का करबे जो लिखा बा ओका क्यों न टल सके। ध्यान देंगे आप लोग, कहे जो लिखा बा ओ क्यों न टल सकते हैं, और किसान के किस्मत में लड़का है ही नहीं। कहे मेरे स्वामी पक्की जवान दे के आए हैं कि हम नारद ही मार बात कबो रद हो ही नहीं सके। कहे बस एक लड़का दे दे, कैसे दे दे, हमार बतिया रख जाए ओकरे बाद फिर कोनो आपसे विनती न रहे। कहे नारद बस कहे नारद अब का करी, अब लिखा ये बा को करे किस्मत में लड़किया है ये ना बा, एक काम करा मृत्यु लोग जाबे ही न करे, आ जब जाया तो किसान के द्वारे जाबे ही न करे। ए भैया या उही दिन किसान के द्वारे एक आवाज लगी, कौन आवाज लगी का? स्वर्गीय गुरु विराज सम्राट श्री दादा राम कैलाश यादव जी गावत रहने भैया या उनकी न्याय लहाई ने पाऊ दिखाई, अगला गवैया चाहे जितनो या फनाए बस दादा बस बस जान ले बस समरिया हो, मतलब ये अपने आवाज में बस कह दे जान ले अगले गवैया के पसीना छूट जा तो। ए भैया यार तो जान ले अब गवैया चाहे जितना बनी है, लेकिन अब केहू स्वर्गीय गुरु दादा राम कैलाश यादव जी विराज सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली जुगनू जी लाल जी लहरी क्यों न हुई भैया, लेकिन प्रयागराज में इनका दूसरा लाल जी लहरी कहा गवा भैया। गायन का कोनो दुलाई पहले जमाना चिट्ठी तार वाला चलता था, चिट्ठी तार पहुंचत पहुंचत दुल्हा बेचारा घरे पहुंच जाए, ई जमाना रहन अब तो 1.5 GB डाटा रोज वीडियो कॉलिंग चुक जाता है, बियाह तय भवन कहे बड़को मोबाइल दे देहात जहाँ जाया जाया है, कुछ बियाह तो जान लगा का ही बड़े सठ हो जाता है, मोबाइल दे दी और जब फोन करे लाग लड़की कोनो कारण उसे नहीं उठाए पाई तो कहे हमका पता रहन तो कतो यूर बीजी है, हमका तो सिर्फ यहाँ ही नहीं करे कहे जा जान लगे तनी तनी बात रिश्ता टूटत है का और मान ला लड़की घरे वाले कहो बतिया तो अब दुल्हा फोन करता है कारण बस नहीं उठा, अब मम्मी लोग नहीं जानकारी है कहा करे मोबाइल हम दे बतिया तो दूसरे जगह है वो तो का हमारे फोन ना दिखा दे चौवन जमाना आएगी भाई। ए भाई मोबाइल रिश्ता जोड़ा तिहा रिश्ता तोड़ता हुआ है तो गावत रहन गुरु जी का अरे लिखा लगो पतिया अब लिखा लगो रि पतिया पिया पर देश लिखा लगो पतिया पिया पर देश।
दी खाती तर जाए ये भैया यार। लेकिन आज किसान जी के द्वारे से आवाज आवती बा, अब आवाज का है कहे जय रोटी दाता बेटा वाला, अब जय रोटी दाता बेटा वाला, ई है बड़ा दान इतना सुनते मान तो किसान जी जान ले गोड़े दौड़े चला आए, कहन का प्रभु का कहन कहन जान ले महात्मा बहुत दिन से भोजन नहीं करे बताओ तहन का दिन होगी बा कुछ अन्न पानी नहीं मिला जल तो कैसे मिलूगा लेकिन अन्न से जान ले भेटे नहीं हमका जे रोटी आप खियेंगे मोरदान दे के जाते ही एक संत के जबाने तय लड़किया आपकी हो जाये किसान जी कहे यहाँ एको लड़किया ना जय रोटी खियाल तय लड़किया हो जैसे ही अंदर गए किसान के मेहरारू वही धोती कुर्ता पकड़ ली कहीं कहा चल दे ऐसे नहीं हम कुल लुटाए डबिया खावे का मैजान में जब से हम आए तब से सबका पानी पियावत आए अभी आज तक एक गदेला ना आए भाई अब देखा था सबसे बड़ा भौकाली आ गया जय रोटी खिये हुए तय गदेला हो जाए मजाक चलते वही है किसान जी कहे ते चुप यही लास्ट देख दे अगर हो जाए तो ठीक है नहीं तो फिर जान ले कहन जा दही जरूर न मन गया जब लेके आए तो भैया दे न सात रोटी गिन के लेके आए तर ऊपर ये सात रोटी भव का टेरी के भव का भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई अरे तो भक्ति की शक्ति भारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई भैया सात लाली अब महाकुठी फुलवारी भैया सात लाली अब महाकुठी फुलवारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई सात रोटी खाए महात्मा आशीर्वाद दे भैया सात गदेला पैदा हो गया जहाँ एको गदेला ना सात गदेला आगे पीछे पापा पापा करे वह भी करे जहाँ ले जी छेके यहाँ ए भैया यहाँ जब नारद जी वहर फिर आकाश मार्ग से जाता है कहन किसान जी के घर इतना गदेला पता करे पड़े अब नारद जी के कामे हुई रहा यार के बात वहार करे क्या
पहले तक कई नारद रहे ना जान ले अमृत लोक में काज नहीं कई नारद भैया भैया कलयुग में इनके बाद तुलसी ले ली है तुलसी जाई है उनसी नीक बन जाई है और उनसी कह दी है तुलसी नीक बन जाई है जब पोल खुले लगे तो कही है छोड़ा सारी बात भैया अब वाले नारद के बाद बताओ तो भवा का साथ गदेला हो गए जब नारद जी आए पूछन का प्रभु के तक के कई आई सब कहन का प्रभु कैसे बात करता है आप कहे रहे कि हम जाते ही विष्णु जैसे लड़किया दवाओ बताओ आप साथ साथ गदेला दवा दे कहन हम दवाए कहन बिल्कुल आप दवाए कहन अच्छा तब राधे श्याम में कहना खनिज भगतों का भगवान भी झुक जाते हैं अनहोनी को होनी करके दास की लाज बचाते हैं अगर भक्त चाहे ले तो भैया दिनकर के घोड़ा रोक सकत है चाहे ले तो सूर्य देवता उगे ही नहीं लेकिन जो सच्चा भक्त हो इनाय तिलक लगाए जय श्री राम राधे श्याम जितने दिन में हरे हरे राती में घरे घरे ए भैया अब आज नारद जी जैसे इतनी बात सुने एकदम क्रोध में तिमतिमाई है कहन बतावा इतनी जिंदगी बीत गए नारायण 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 ना करत हमार जवान नहीं थकी हम कहे एक गदेला दे दे तो विधि में लिखा ही नहीं रहा अभी सात गदेला भाग कैसे हम अभी भगवान विष्णु से पूछी थी कैसे कोनो नायक अपने नायिका के खूबसूरती के देख के वर्णन करत बा बतात बा का अब विष्णु जी से पूछे भी आखिर हमारे भक्ति हमारे भाव हमारे भजन में कमी का पाए अब यह पूछे बरे चले नारद जी होतनी दूरिया रहे तबे विष्णु जी सब समझ गए जैसे नारद पहुंचे लगे तो विष्णु भगवान लगे वह कला बनवाए कहे का प्रभु कोनो दिक्कत कहे नारद जान ले बड़ा खतरा होगी बा कहे का भा कहे जान ले हमारे ऐसा बीमारी होगी बा
ध्यान दिए आप लोग, कहीं हमारे ऐसा बीमारी हो बा कि जे हमार सबसे बड़ा भक्त हो, जे सबसे बड़ा भक्त हो ओकरे आंखे के खून लेके अब हमका पियाई दे हम भले हो जाए। अब ना